दोस्तों, आज शख्सियत में हम आपको बताएंगे जनपद बहराइच के किंग मेकर कहे जाने वाले हरिहरपुर रैकवारी स्टेट से ताल्लुक रखने वाले कुंवर अरुणबीर सिंह उर्फ बड़े भैया के बारे में, जिनकी जनपद में एक हनक है। वैसे तो जनपद बहराइच में कई राजनेताओं ने जन्म लिया, लेकिन किंग मेकर कहे जाने वाले, गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाले, अपने ऐतिहासिक कार्यों से जनता के दिलों पर राज करने वाले अरुणबीर सिंह उर्फ बड़े भैया ने समाज में एक अलग पहचान बनाई। कुशल राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिभा से जनपद ही नहीं, आज आसपास के राजनेताओं को भी प्रभावित किया। दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुंवर अरुणबीर सिंह उर्फ बड़े भैया की जिंदगी से जुड़े रोचक तथ्य। उनकी कुशल राजनीतिक प्रतिभा और लोगों के प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कोई उन्हें संबोधित करता है तो बड़े भैया के नाम से, और यह नाम जनता ने उन्हें सम्मान स्वरूप दिया है। इसी से उनकी राजनीतिक कुशलता और राजनीतिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जिसके जनपद में हजारों लोग मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं, राजनीति जिनके रग रग में बसी है। कुंवर अरुणबीर सिंह उर्फ बड़े भैया के बारे में लोग बताते हैं कि वह एक सौम्य हरफन मौला, कुशल संगठन क्षमता, ओजस्वी वक्ता और इसके अलावा एक जुझारू नेता है। यही कारण है कि जनता उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। जनपद के हजारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। कुंवर अरुणबीर सिंह का जन्म 9 नवंबर 1961 में जनपद बहराइच के हुजूरपुर ब्लॉक में स्थित हरिहरपुर रैकवारी के रैकवार राजवंश में एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ। जनपद बहराइच से ही स्नातक की पढ़ाई की और उसके बाद समाज सेवा और राजनीति में आ गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरिहरपुर रैकवारी 52 गांवों को मिलाकर बनाई गई थी, जिसका अपना एक अलग इतिहास है जो हम आपको अपनी अलग वीडियो में बताएंगे। इनके बाबा स्वर्गीय प्रताप बहादुर सिंह 1957 से 1962 तक स्वतंत्र पार्टी से विधायक रहे। हम आपको बता दें कि बड़े भैया 1996 और 2002 में जनपद बहराइच के पखरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे। इसके बाद स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से 2012 में सदस्य विधान परिषद MLC निर्वाचित हुए। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से मटेरा विधानसभा के प्रभारी। उनकी कुशल संगठन क्षमता का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक नए दायित्व को सौंपा और उन्हें अपनी विधानसभा को छोड़कर दूसरी विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी घोषित किया, वह भी मात्र चुनाव से 15-20 दिन पहले। मात्र चंद दिनों के चुनावी विगुल में जमकर वह चुनाव लड़े और मात्र 100 वोटों से हार जीत का अंतर रहा और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। पार्टी का उन पर यह विश्वास उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता और जिले में उनकी हनक को प्रदर्शित करता है। स्वभाव से सरल, मिलनसार और व्यवहार कुशल बड़े भैया बातचीत में हमें बताते हैं कि वह हमेशा जनता की मदद और सर्व समाज के लोगों के विकास और उनके उत्थान के बारे में सोचते हैं। उसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। उनकी कोठी के आंगन में एक ऐसा पूजा का स्थान है जहां सभी धर्मों के धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं और उसकी पूजा की जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के धार्मिक प्रतीक और चिन्ह उस पूजा स्थान पर मौजूद है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कोठी में लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। बड़े भैया को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है।
और उनका अपना एक वीआईपी नंबर है। हरिहरपुर रायपारी स्टेट में जो उनकी कोठी है, जब आप उसके अंदर जाएंगे तो गाड़ियों का कलेक्शन देखने लायक। कोठी के पीछे तालाब है और बगल में जनता दरबार लगता है, जिसमें गरीब जनता और दूर दूर से जनपद बहराइच में लोग वहां पर आते हैं और उनकी समस्या का बड़े भैया द्वारा समाधान किया जाता है। अपने कार्यों और खुद पर ज्यादा विश्वास रखने वाले बड़े भैया बातचीत में बताते हैं कि मैं कभी भी किसी की विधानसभा या क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता बिना किसी संवैधानिक कारण के, और वह दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना करे। जनता के लोगों में ही नहीं बल्कि उनका प्यार पालतू जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति भी उनकी महानता को दर्शाता है। पालतू जानवर और पशु पक्षी से उन्हें इतना लगाव है कि उनकी कोठी में अनेक दुर्लभ जानवर और पशु पक्षी हैं जिनकी वह निरंतर सेवा करते रहते हैं, और यह उनका शौक बचपन से अब तक चलता आ रहा है। जब हमने उनसे पूछा कि आपको गुस्सा कब आता है, तो उन्होंने कोई दूसरा कारण ना बताते हुए यह बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरे किसी पालतू पशु पक्षी को चारा देर से मिलता है, वरना मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। करीब 30 साल के राजनीतिक सफर में बड़े भैया ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, कभी सत्ता में अपनी हनक तो कभी मनोवैज्ञानिक दबाव को झेला, लेकिन कभी अपने घुटने नहीं टेके और संघर्ष को अपना मिशन बनाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे, और एक के बाद एक खिताब उनके नाम होते गए। जमीनी नेता होने के साथ साथ बड़े भैया का प्रमुख व्यवसाय मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग। वैसे तो राजनीति में एहसानों का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन बड़े भैया हमेशा अपने सहयोगियों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। राजनीति को अपना शौक और जुनून बताने वाले बड़े भैया ने अपने कई सहयोगियों को जनपद में अच्छे राजनीतिक पद तक पहुंचाने में सहयोग किया, जिसका उदाहरण राम सेवक यादव प्रमुख तेजवापुर, विजय सिंह रैकवार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, हाजी अबलाक खां जिला पंचायत अध्यक्ष, राम कुमार यादव प्रमुख हुजूरपुर, उनके भतीजे अजीत प्रताप सिंह और बबलू भैया प्रमुख, इसके अलावा मुन्ना सिंह प्रमुख, कुंवर जितेंद्र सिंह को, और जनपद में छोटे चुनावों में उन्होंने लोगों को राजनीतिक पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाया जो मदद उनके स्वभाव में है। उनके करीबी मित्रों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद कैसरगंज को अपना भाई और मित्र दोनों बताया। इसके अलावा उनमें मनीष मल्होत्रा, दिनेश सिंह, संजीव सिंह, आफाक अहमद पर्दा हाउस वाले स्वर्गीय श्याम किशोर शर्मा उनके अजीज और करीबी मित्रों में रहे। हरिहरपुर रैकवारी में उनकी भव्य कोठी है जहां बड़े भैया रहते हैं, और हजारों का जनता दरबार वहां लगता है। जनपद के अलग अलग कोने से लोग अपनी समस्या उन तक लेकर आते हैं, उनसे मिलकर हंसी खुशी वापस जाते हैं। यह उनकी कार्यशैली और जनप्रतिनिधि की कुशल योग्यता को प्रदर्शित करता है। कोठी में सैकड़ों का स्टाफ है जो जनता की सेवा में लगा रहता है। उनके स्टाफ में और सेवकों को भी वो बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। कुछ ऐसे सेवक जो आज दुनिया में नहीं है, उनको याद करके बड़े भैया और उनके बेटे कुंवर करणवीर सिंह भावुक हो गए, जिनमें प्रिय भूपेंद्र सिंह धरसवां, अनिल पांडे, बलराज सिंह, सालिक आर्या और छुनई यादव जैसे लोग शामिल हैं। तत्काल में बड़े भैया बातचीत के दौरान अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में बताते हैं कि वह खुद और अपने बेटे कुंवर करणवीर सिंह को सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं और विधानसभा मटेरा में जनता की सेवा में लगे हुए हैं।
और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुंवर करणवीर सिंह को वहां का प्रत्याशी भी बनाना चाहते हैं। मटेरा विधानसभा में कुंवर करणवीर सिंह की सक्रियता को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंवर करणवीर सिंह यानी बड़े भैया के बेटे की राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए, चूंकि वह एक यूथ है, उनसे हमने पूछा कि आप किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी यह कोठी जिसका नाम मदद है और यह हमेशा साइन करे, समाज और लोगों की मदद में हमेशा हम काम आए, कोई यहां से निराश होकर ना जाए, यही मेरी इच्छा है। इस बात का उदाहरण देते हुए बड़े भैया ने बताया, करण का मोबाइल हमेशा ऑन रहता है और देर रात तक हर परिस्थितियों में उनका फोन उठता है और मदद ही इस कोठी की शान है और मदद ही हमारा अभिमान है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने हरिहरपुर रायपुरी स्टेट से ताल्लुक रखने वाले कुंवर अरुणवीर सिंह उर्फ बड़े भैया, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, उनकी जिंदगी से जुड़े रोचक तथ्य बताए। सिटी न्यूज नेटवर्क की तरफ से बड़े भैया और उनके बेटे कुंवर करणवीर सिंह को हम भविष्य में अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और वह ऐसे ही जनपद, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हमने आपको बड़े भैया के व्यक्तित्व के बारे में बताया। अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष स्थान या किसी के बारे में जानना है तो हमें इनबॉक्स जरूर करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।